कलयुग लगभग 2600 साल पहले खत्म हो चुका है। चौंक रहे होंगे ना आप, चौंकने की बात ही है, आप लोगों ने हमने सोचा ही नहीं इस बारे में, बस ये सोचते रहते घोर कलयुग आएगा। हमारे तो शास्त्र भी ये नहीं कहते कि आप बुरी बात सोचो, हमारे माँ बाप भी नहीं कहते, गुरु भी नहीं कहते कि आप सोचो अभी तो बहुत पाप होना है, अभी तो तुम बहुत कष्ट में होने वाले हो, ऐसा कोई कहता है? ये उल्टी पुल्टी विचारधारा किसने कह दिया कि अभी तो घोर कलयुग आएगा, अभी तो बहुत कष्ट होगा, तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। जब पता है कि कलयुग से हम सतयुग में जाएंगे, बहुत अच्छा समय आएगा, सत्य का समय आएगा, दिव्यता का समय आएगा, सात्विकता का समय आएगा, ये कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि इतने इतने कष्ट होंगे, आयु कम हो जाएगी, बहुत कष्ट होगा, ये सब बातें नेगेटिव बातें क्या इंपैक्ट डालती होंगी। आज ये दो विषयों पे मेरा वीडियो है और बहुत ही बदलाव का है मेरा, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना डालूंगा क्योंकि बहुत जरूरत है इस बात की। अब से 5000 वर्ष पूर्व हम ये मानते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण चले गए थे, हमें गीता ज्ञान देके तब लिखा था कि घोर कलयुग आएगा। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि 2-5000 वर्ष पूर्व जब लिखा गया था, उसके बाद उनके जाने के 2400 वर्ष बाद, यानी कि अब से 2600 वर्ष पहले एक हमारे यहाँ विष्णु के अवतार हुए, भगवान बुद्ध, एक अवतार आ गए जिन्होंने सारा अंधेरा तोड़ दिया, जिन्होंने कलयुग को खत्म कर दिया। वो हिंदू धर्म में ही आए थे, भारत में ही आए, भले ही उन्होंने एक नया धर्म बनाया, मगर जो अधर्म बढ़ रहा था, धर्म बनाने का मतलब क्या है, कैसा अवतार, तो अवतार होते हैं ना भगवान विष्णु के, उन्होंने कलयुग को ब्रेक कर दिया। ये आप लोग सोचते ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है। तो कलयुग तो तभी खत्म हो गया था जब 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने आके एक अवतार के रूप में अधर्म को देखा, भले ही वो दूसरा धर्म उन्होंने बना दिया, पूरे दुनिया में उनका वो फैला, मगर एक अवतार आए, उन्होंने धर्म की हानि, एक अवतार प्रकट हुए और कलयुग का खात्मा कर दिया। तब से सतयुग की तरफ में हम लोग, कलयुग की बातों का असर हो सकता है मगर हम सतयुग में हैं। आप सोचो दोस्तों।